गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7 बज गए हैं और 7 बजे मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। अब तक की वीडियोस में आपने सुना होगा कि जॉब से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि जॉब लगने के बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। अभी तो टेम्परेरी स्टे, एक रूम ले रखा है पीजी में, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ कोई अच्छा सा रूम मिल जाए, वहाँ परमानेंट शिफ्ट होने का प्लान है मेरा। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा यार बहुत प्यारा घर होता है जहाँ हम कई सालों से रह रहे होते हैं, लेकिन जब जॉब लगती है वो भी छोड़ना पड़ता है और फैमिली भी छोड़नी पड़ती है, माँ बाप भी छोड़ने पड़ते हैं। एक अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच आते हैं, फिर जॉब करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उस अनजान शहर में भी अपना एक घर होता है, अपना एक घर बन जाता है। तो इसी उम्मीद पे, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, मैं भी इसी उम्मीद पे हूँ। तो चलिए जल्दी से रेडी होके ऑफिस की तैयारी करते हैं जाने की। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ और ऑफिस जाने से पहले मैं दो जगह जरूर जाता हूँ। ठंड बढ़ गई है काफ़ी, 2-3 दिन से कोहरा भी है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है यार मैं डेली जाऊँ रेडी होके। तो मैं आपको बताता हूँ मैं दो जगह कौन कौन सी हैं जहाँ मैं जाता हूँ डेली। चलिए, और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। ये है एक गौशाला जहाँ मैं डेली आता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ डेली आया जाए। मेरा मानना है यार, अगर आप यहाँ संसार में आए हो तो बेजुबानों के लिए जितना कर सकते हो इन दो हाथों से किया जाए। और ये पुलकित जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, जो मेरे को मंदिर में मिले थे, जिन्होंने मेरे को पहचान लिया था। और ये हमारे साथ हैं, कैसे हो? बढ़िया भैया। इनका पेपर कैसे हुआ तुम्हारा? मेरा पेपर बढ़िया हुआ भैया। कितने मार्क्स बनने हैं? 104। 104 बनना है। चलो देखो, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जाता है। हाँ अगर यार ज़रूरी नहीं है 115 से 118 जाए कट ऑफ, ये भी हो सकता है 110 112 भी जा सकती है। अब नॉर्मलाइजेशन तुम्हें कितना मिल सकता है, हो सकता है तुम्हें मेंस देने का मौका मिल जाए। शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। हाँ, शिफ्ट पे डिपेंड करेगा और SSC पे डिपेंड करेगा, वो कितने कैंडिडेट्स को बुलाती बुलाती है है मेंस के लिए। लोगों तो इन्होंने ही मुझे बताया कि भैया यहाँ आना चाहिए आपको, मतलब आना कि यहाँ, उन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ में एक गौशाला है, तो मैं यहाँ, फिर उस दिन से मैंने डेली आना शुरू कर दिया। तो चलते हैं गौशाला में। गौशाला के बाद जाता हूँ मैं महादेव के मंदिर ऋणमुक्तेश्वर। मेरा ये मानना है कि एक शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो शक्ति है कोई जो इस संसार को चला रही है। ये आप पे डिपेंड है, आप किस रूप में उसे पूछते हैं, किस रूप में उसे मानते हैं। मैं भोलेनाथ के रूप में उसे पूजता हूँ और वो बुलाते हैं, मैं दौड़ा चला आता हूँ। तो चलिए तो पूजा करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं फिर कहाँ जाता हूँ। और ये आने वाले हैं बस, ऑलमोस्ट उनके दर पे ही आ गए हैं और मैं आपको ही दर्शन कराता हूँ इधर से। ये इसका दूसरा गेट है, मेन गेट आगे से। शिव 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 शिव
और मंदिर के बाद मैं आता हूँ इनके टी स्टॉल पे। इनका कमेंट आया था कि भैया मैं मंदिर के सामने ही टी स्टॉल लगाता हूँ, आप एक बार ज़रूर आना। तो फिर मैं डेली आने लग गया। क्या टी स्टॉल का क्या नाम है तुम्हारा? निखिल जनरल स्टोर इनका टी स्टॉल का नाम है। बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं मेरे को। मैंने इनको भी बोला हुआ है रूम के लिए कि आपके पास अगर कोई रूम हो तो। इन्होंने बताई भी 2-3 रूम, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है। फिर आगे भी ये रूम सर्च कर रहे हैं मेरे लिए। और चाय इनकी वाकई में बहुत टेस्टी है। 10 रुपये की चाय देते हैं, लेकिन मन खुश हो जाता है सुबह ही सुबह। इसके बाद मैं इनकी चाय पी के ब्रेकफास्ट करके सीधा ऑफिस 9:30 पे रिपोर्टिंग करनी होती है, और 9:30 पे मैं रिपोर्टिंग कर देता हूँ। भैया इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस की रिपोर्टिंग पे। हाँ हाँ बैठो। बज गए और 6 बजे मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ। यहाँ से जाऊंगा मैं सीधा पीजी। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। पीजी से हाथ मुंह धुल के मैं आता हूँ महादेव के मंदिर ऋण मुक्तेश्वर। यहाँ महादेव के सामने 10-15 मिनट बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। अगर आप अपनी चारों दुनिया में देखोगे, बहुत से लोग हैं आपको जो हमेशा आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, या आपको गिराने में लगे हुए हैं, या आप जो भी काम कर रहे हो उससे मज़े ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आपका साथ देता हो, लेकिन जब आप यहाँ मंदिर में आते हो ना, तो आपको लगता है कि यार कोई ना कोई तो है तुम्हारे साथ जो आपको गिरने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा। तो हो सके तो तुम भी यार 5 मिनट बैठा करो, मेडिटेशन किया करो। जब लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं, मुझे ही पता आसान नहीं है मेडिटेशन करना, कोई दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो, काफ़ी सुकून मिलेगा। तो यहाँ मैं चलता हूँ, कोशिश करूँगा यार ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकूँ, और उसके बाद फिर चलते हैं टी स्टॉल पे। मैं आ गया हूँ फिर से इनके टी स्टॉल पे। शाम को मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बनाते हैं। कितने की है कॉफ़ी भैया? 10 रुपये की कॉफ़ी रहती है इनकी, बहुत अच्छी कॉफ़ी रहती है। यहाँ शाम को कॉफ़ी पीने के बाद सीधा पीजी पे डिनर करता हूँ। उसके बाद यूट्यूब पे यार कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ आपको। ज़्यादातर कमेंट मेरे को यही आ रहे हैं कि भैया मिलना है, तो मिलने के लिए भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और आप पढ़ते रहो, बस मेहनत करते रहो। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। मेरे को ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, फिर भी मैं करता रहता हूँ। होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से करो यार, जो भी लाइफ में कर रहे हो अच्छे से करो बस। बाय बाय।